क्या है मम्मा? तेरी रोटी मैं ले आ रही हूँ। ठीक है, ये चावल है, रायता है और ये पनीर की सब्जी। खोलोगे मम्मा? सारे गिर गिर खाओ मिट्टी। ओके तो रसा रसा गिरा, ज्यादा नहीं गिरा। ओके तो ये देखिए, ये है मटर पनीर की सब्जी और सिंपली चावल है और ये दही। मम्मा सादा रायता। अभी तो विहान सो रहा है, मैं खा लूंगी। चलो हम खाना खाते हैं। ठीक है, ये रोटी है। ये देखिए, विहान की मम्मी नई ड्रेस लेकर आई हैं, कपड़ा खरीद के सिलवाया है। मम्मी बोलते एक और जोड़ी बनेगी, तो ये इस तरीके से पैंट है। मम्मी पैंट अगली थोड़ी सी नीचे रखवा लेना, पैंट हल्की सी ऊंची है इसके, बाकी कमीज ये पूरा ऊपर वाली ड्रेस बिल्कुल सही आ रही है। नहीं अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है बाबू। हाँ पैंट अगली वैसे ठीक है, ये भी होगी। नहीं नहीं बेटा, विहान की बोतल भरी जा रही है दूध की। अभी दो तीन दिन से ही पीना स्टार्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या है विहान ये? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सुबह का टाइम है और देख सकते हो आप, मैं नहा के आ गई हूँ और काजल मैं अवॉइड कर रही हूँ। मैं कुछ दिन अभी नहीं लगाऊंगी। मैंने इसीलिए क्या किया, जो आईलाइनर होता है ना जिसे हम लगाते हैं, उसी को हल्का हल्का बाहर बाहर बॉर्डर पर लगा लिया, क्योंकि आपको पता है ड्राइनेस है आईज में। इसके अलावा अभी कुछ नहीं किया, बस अच्छा लगता है सुबह सुबह ना अपना नहा लो टाइम से। और बाबू हमारा क्या खा रहा है? चलो खा लो जो भी खा रहे हो। मेरे को ना सुबह सुबह ना, वैसे पता है क्या, कल मैंने इतनी कोशिश करी कि मैं पूरे दिन में 8 गिलास पानी पीऊंगी और मैं 4 गिलास से ज़्यादा पी नहीं पाई। अब थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा सा होने लग गया ना, तो प्यास ही नहीं लगती, तो मैंने कहा भी सुबह सुबह ही मैं ये बोतल पूरी ख़त्म कर देती हूँ। इसमें करीबन 4 गिलास तो होगा ना पानी, मेरे हिसाब से 4 गिलास तो है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से ही ठीक नहीं है। आपको याद होगा परसों की वीडियो में आपने देखा था, मैंने वो आइसक्रीम शेक लिया था, पापा जी बाहर से लाए थे। तो वही होता है, कई बार क्या होता है हम बाहर का कुछ ऐसा खा लेते हैं जो बिल्कुल सूट नहीं करता। तो कल मेरे पूरा दिन ना पेट में हल्का हल्का दर्द हुए जा रहा था, और फिर मतलब बस पूछो मत। मैं तो अब पता है क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अगर पैदल भी चल रही हूँ ना, पैदल चलते चलते भी मेरे पेट में इतना तेज़ दर्द उठ रहा है। तो वही है, वो सूट नहीं करा जो, मतलब वो जो खाया था आइसक्रीम शेक, तो इसीलिए मैंने कल तो फिर भी मैं काम करती रही, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत जल्दी आराम नहीं करती हूँ। फिर भी जैसा जो वीडियो बन पा रहा था मैं बना रही थी, तो कल मैंने काम किया। बट आज मेरे को ऐसा लगा कि भाई आज तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा हूँ उससे, एक क्योंकि वीकनेस भी फील हो रही थी, चक्कर से भी आ रहे थे, कमजोरी आ रही थी, तो मैं यहाँ आज लेट ही गई थी। और देखो बच्चे का साथ है तो आप बिल्कुल प्रॉपर सो भी नहीं सकते, क्योंकि अभी मेरा दिल हो रहा था कि मैं ना लेट जाऊँ, आराम करूँ, सो जाऊँ, लेकिन फिर वो है विहान को 9 बजे मुझे दवाई देनी होती है, टाइमिंग वो है ना कि फिक्स्ड है। तो मैंने सोचा एक बार मैं दवाई दे दूँगी बाबू को, उसके बाद ही मैं सोऊँगी। तो यहाँ पर ना मैं पानी पी रही थी ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, और मेरे से ना पानी पिया नहीं जाता। जैसे कई लोग हैं ना जैसे पी लेते हैं 2-2, 3-3 गिलास एक साथ, मुझसे बिल्कुल नहीं होता। मुझसे 1 गिलास पानी ही मेरे लिए आफत लगती है मुझे पीना, वो भी सुबह सुबह खाली पेट बिल्कुल नहीं पिया जाता। कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाने की, कि ना मतलब कहते हैं ना कि 8 गिलास पानी पीना चाहिए, तो जैसे किसी दिन 4 गिलास पिया, फिर 5, धीरे धीरे बढ़ाऊँगी। मुझे पता है क्या होता है, मुझसे ना जब मुझे प्यास लगती है ना, मैं तभी पानी पी पाती हूँ। जैसे मैं काम करती हूँ ना, जैसे घर का काम किया, मैं थक गई, फिर मैं 1-2 गिलास पानी पी सकती हूँ। लेकिन ऐसे होता नहीं, कई लोग पी लेते हैं कि उनको प्यास भी नहीं लग रही होती उसके बावजूद। जैसा कि आप सबको पता है फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, और फेस्टिवल सीज़न में हम सब कुछ नेचुरल ही पसंद करते हैं, चाहे होममेड स्वीट्स हो या इको फ्रेंडली क्रैकर्स। भाई हमारे घर में तो जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं, आई होप सो आपके घरों में भी शुरू हो गई होंगी। बट इस बिजी शेड्यूल में कहीं ना कहीं हम अपनी स्किन की केयर करना तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं, और जब रिलेटिव्स फ्रेंड्स से मिलते हैं तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, और हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ही बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि फेस पर होते हैं ढेर सारे पिंपल्स, पिंपल्स के मार्क्स, डलनेस और ओपन पोर्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लाई हूँ, मैं लाई हूँ नेचर श्योर की तरफ से पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल, जो कि 100% नेचुरल है और इफ़ेक्टिव भी है।
आपको मैं क्लोजअप से भी दिखा देती हूँ। मैंने वीडियो में आने के लिए भी किसी तरीके का मेकअप नहीं किया है, क्योंकि देखिए हम शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं अच्छा दिखने के लिए, क्रीम्स यूज करते हैं जो केमिकल बेस्ड होती हैं, जिसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो मैं ऐसी क्रीम्स जो बाजार में मिलती हैं वो तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं तो बिल्कुल ही नेचुरली अपनी स्किन को हेल करना पसंद करती हूँ। नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल हर एक स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और इसे मैन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ये पिंपल्स को तो कंट्रोल करता ही करता है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें भी ठीक कर देता है। जैसे कि हमारे फेस पे जब पिंपल्स हो जाते हैं तो उनकी वजह से ओपन पोर्स रह जाते हैं, तो उनको अनक्लोज और फिल करता है, और टाइम के साथ जो हमारे फेस पर एजिंग आ जाती है, फाइन लाइंस आ जाती है, उन्हें नेचुरली ठीक कर देता है। इसे आप एज अ सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसमें एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है मोरिंगा ओलिफेरा, जो एक नेचुरल हर्ब है। आयुर्वेदा में इसका काफ़ी जिक्र किया हुआ है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मोरिंगा ओलिफेरा में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए, सी, कैल्शियम और पोटेशियम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीन पर मैं इसे यूज़ करके भी दिखा रही हूँ। मैं रात को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो इस तरीके से हल्की हल्की सी मसाज कर लेती हूँ मैं अपने फेस पर, जो काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छा सूथिंग इफ़ेक्ट देता है। तो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से इसे दिन में भी यूज़ कर सकते हो या रात में भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपके फेस पे एक नेचुरली ग्लो भी देता है, जो काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद है। नेचर श्योर की पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल को जैसे ही आप रेगुलरली यूज़ करना शुरू करेंगे, मैं कहती हूँ आप अपनी दिनचर्या में इसे रूटीन में इस्तेमाल कीजिए, डेली यूज़ कीजिए, और जैसे ही आप रेगुलर इसे यूज़ करने लगेंगे, आपकी स्किन ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट रहेगी, स्मूथ रहेगी। तो इस बार फेस्टिवल सीजन को अच्छे से इंजॉय कीजिए। इसके अलावा भी आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फॉर्म फिल कीजिएगा और नेचर श्योर की तरफ से मिलने वाली फ्री डॉक्टर की कंसल्टेशन लीजिएगा। तो ज़रूर इस प्रोडक्ट को लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और फेस्टिवल इंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। तो पी लेते हैं, मुझसे तो एक सिप भी नहीं ऐसे गटका जाता बिल्कुल। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा पानी पीने की हैबिट डालूं, और यहाँ मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, बहुत ज़्यादा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा मेरे ऐसे, क्योंकि खड़ी होती हूँ तो हल्का सा भी चल रही हूँ ना, मुझे पेट में एकदम से दर्द उठता है, तो हो जाएगा। मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं ली, क्योंकि मैं ज़्यादा दवाई लेना फालतू पसंद नहीं करती। क्या एक दो दिन में अपने आप ही ये चीज़ें तो ठीक हो ही जाती हैं। थोड़ा पानी वानी पीऊँगी, वैसे दूध पीना नहीं चाहिए कहते हैं ना जब पेट में दर्द हो, लेकिन मम्मी ने ला दिया था, बोलते सुबह पी ले, तो क्या पता दूध से भी हो रहा हूँ मुझे, क्योंकि मैंने दो तीन दिन से ही ना डेयरी प्रोडक्ट लेना शुरू किया था, क्योंकि थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक बढ़ाना चाह रही थी मैं, लेकिन वो क्या क्या हो सकता है मुझे मिल्क ही सूट ना कर रहा हो, क्योंकि पहले भी एक दो बार मुझे ना मिल्क से हुआ है, मुझे मिल्क भी शायद, क्योंकि रात को तो पीते हैं तो सूट कर जाता है, बट अगर आप सुबह सुबह एक गिलास दूध पी रहे हो तो वो सूट नहीं करता, मुझे तो नहीं करता, लेकिन चलो मैं आगे से अब रात को ही पिया करूँगी दूध, सुबह नहीं पीऊँगी। तो मुझे याद आ रहा था, मैं जब आज वीडियो का ना थंबनेल बनाने लगी ना, तो मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब मैं एक बार मेरे को जब कोविड हुआ था, उस टाइम तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम मैंने एक बार लिखा था मेरी तबीयत बिगड़ी है अब मेरे बच्चे का क्या होगा, तो वो सीन मुझे याद आ रहा था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मेरी तबीयत ठीक है, मैं मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊँगी एक दो दिन में, लेकिन पता है जब भी मैं बीमार हो जाती हूँ ना तो मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है कि निधि देख, क्योंकि देखो मेरे बच्चे के लिए देखो उसके फादर नहीं है, अब मैं ही हूँ, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मतलब बच्चा इतना तो कर दूँ कम से कम 18-19 साल का, 20 साल का समझदार, क्योंकि कल को ऐसा है ना, देखिए अगर मुझे कुछ हो गया मैं ना रही तो मतलब बच्चे की लाइफ बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अपना ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं बीमार होकर बिस्तर में पड़ जाऊँ, क्योंकि फिर वही है ना, बच्चे का भी ध्यान देना होता है, वो भी खुद बीमार है बच्चा, तो उसका भी तो देख रेख करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखो मेरे को ना, मैं लेटी हुई थी और विहान क्या कर रहा है, चिप्स मुँह में डाले जा रहा है, और मैं तो सोचा था आज मैं एक दिन का ब्रेक ले लूँ, क्योंकि अभी 2-4 दिन ना मैं काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही हूँ, बट
बात ये है ना कि मेरे कुछ कमिटमेंट्स होते हैं देखो हमारे, जो हमें उन्हीं डेट्स पे पूरे करने होते हैं, तो बस ये मेरे ख्याल से आज आज का काम है, आज कल का, उसके बाद देखते हैं शायद मेरे को थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो अभी आप देख सकते हो मेरी मम्मी यहाँ पे दूध का गिलास लेके आ गए थे, और मुझसे पानी ना वैसे सीधा नहीं पिया जाता, तो मैंने एक दो चिप्स खा लिए थे कि शायद मुझे थोड़ा नमक वाली चीज़ मैं लूँगी तो उसके बाद मुझे थोड़ी प्यास लगेगी तो मैं पानी पी लूँ, लेकिन मुझसे बड़ी मुश्किल से मैंने एक गिलास पानी पिया था। और मैं तो पता है ये कंबल ओढ़ के सोने की मुझे ऐसी आदत हो रखी है अब कि मतलब अभी वैसे इतनी है नहीं ठंड कि मतलब कंबल की ब्लैंकेट ओढ़े, लेकिन फिर भी मुझे आदत है कि मैं ब्लैंकेट ही ओढ़ लेती हूँ ये वाला। और यहाँ पे ना मेरी से तो खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको पता है मेरे पेट में एकदम से दर्द उठ रहा है। तो मैंने ना मम्मा को बोला कि मम्मा फ्रिज के ऊपर मेरी बुक रखी हुई है वो ला दो, तो मम्मी ने ये वाली बुक मैं पढ़ूंगी थोड़ा थोड़ा करके, मेरी होने वाली है कंप्लीट ये वाली बुक, मेरे ख्याल से 20 पेज बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, देखो अगर मैं लेटी हूँ आराम भी कर रही हूँ तो कुछ प्रोडक्टिव काम करूँ ना साथ में, कि ऐसा नहीं है कि खाली बैठी पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचती रहूँ, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर मैं खाली भी बैठी हूँ तो अपना कोई बुक पढ़ लूँगी, थोड़ा माइंड ठीक हो जाएगा। और थोड़ा सा ना वैसे आपको पता है कि मैं काम तो करती रहती हूँ चाहे मैं कितना भी बीमार हूँ, लेकिन अब भी मेरे को ऐसा फील हुआ अंदर से कि नहीं आज अगर काम आराम कर लेगी तो बेटर है, एक दिन ढंग से आराम कर लूँगी ना तो फिर बेटर फील करूँगी और फिर ठीक लगूँगी, ठीक लगेगा मुझे। बाकी कल भी मैं मतलब एक घंटा, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैंने एक घंटा बड़ी मुश्किल से अपनी वॉक करी, शाम को भी घूम थोड़ा थोड़ा टहलती रही, 30 मिनट मैंने शाम को वॉक की, 30 मिनट मैंने सुबह वॉक करी। तो अभी विहान को थोड़ा सा दूध पिला दिया था, और चलिए कल मैंने यहाँ पे अब वॉइस ओवर बैठ कर करी है, मम्मी के इधर घर आई थी क्योंकि वहाँ पे विहान करने नहीं देता इतना, मुझे 5-6 मिनट ऐसे मैं अकेले अलग बैठ के काम नहीं कर सकती बच्चे के साथ। तो ठीक है जी, चलिए मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ रेस्ट, लेकिन मेरी शाम को एक और वीडियो ज़रूर आएगी आज की डेट में, क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स होते हैं पुराने जो पूरे करने ज़रूरी होते हैं, आप समझ ही सकते हो। तो उसके बाद शायद मुझे थोड़ा मौका मिल जाए आराम करने का। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।